क्षत्रिय वंश में रणबंका राठौड़ा मूल शिरोधा सबसे प्रथम नाम मूल पुरुष रूप में जिन्होंने नाम अंकित इतिहास में दर्ज किए गए हो वे राव सिंहा जी राठौड़। दक्षिण भारत को राजस्थान की धरती में राव सिंहा जी राठौड़ प्रवेश करो। सिंहा जी राठौड़ रे आंगन में उनारा पुत्र जन्म लियो राव आस्थान। आस्थान रे राव आस्थान रे आंगन में छह बालक जन्म लिया। उनमें से एक राव दुवड़ जी जो को राठौड़ वंशरी कुल अधिष्ठायिका देवी माँ नागनीचा माता जी रे धाम री स्थापना करी। जोधपुर सो बाड़मेर रोड पर कल्याणपुर सो 10 किलोमीटर दूर में माँ नागाणा राय रो बड़ो पवित्र धाम नागनीचा रो नागाणा। राव दूड़ जी और एक संतान राव धांधल। अब धांधल ने आंगने में दो पुत्र जन्म लिया रानी कमला देरे गर्भ सो। एक रो नाम राव बूढ़ो जी और लड़की रो नाम पेमल दे। दोनों ने नाम सवेरे साथ में बड़ा हो रिया है। बाबूजी राठौड़ के जीवन चरित्र के बारे में इतिहास में एक बहुत सुंदर और बड़ी विचित्र सी रचना लिखी गई है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। राव धांधल एक दिन अपने गांव में सुबह आहार चहल कदमी करता करता पहुंच गया तो गांव रे तालाब ऊपर बड़ो विचित्र सो नजारो देखियो। एक अचानक अद्भुत सी रोशनी और उनमें इंद्र रे नगर रो स्वर्ग रो एक विमान उतरियो और विमान में सो इंद्र री अप्सरा इंद्र री परिया उतरी। परिया और तालाब पर स्नान कर रही उन सभी परियों में सो एक परी ऊपर राव धांधल उन्हें रूप पर उन्हें लावण्य पर मोहित हो गया और उन परिसों राव धांधल निवेदन करियो हाथ जोड़ने के हे परी हे अप्सरा मैं आपके रूप पर आपके लावण्य पर मोहित हो गया हूं और मैं आपसे विवाह करने की अपेक्षा रखता हूं। परी ने हंसकर के टाल दिया बोले राजन हम इस प्रतिलोक के निवासी नहीं है। हमारा लोक अलग है आपका लोक अलग है थारो मारो रिश्तों नहीं हो सके इन दुनिया में। अब राव धांधल और परी वे आपस में बाता कर रहा है। समेरी अवधि थी वो इंद्र पुत्र जो विमान थो वो विमान भाजो अपने स्वर्ग लोक की तरफ उड़ गयो। अब आप परी जो थी वह धरती पर रह गई विमान आकाश में उड़ गयो। परी मन में विचार करो कभी धरती पर रहना तो मने राजा की बात माननी पड़ेगा। बोले राजा जी ठीक है मने आपकी बात मंजूर है। आज रे समय में जो अपे लोग कोर्ट मेरी जो नाम देवा हाँ लव मेरी जो नाम देवा उन वक्त होतो तो गंधर्व विवाह अग्नि ने साक्षी मान और राव धांधल उन परी ने साथ में फेरा खा और विवाह कर लियो। विवाह तो पूर्व वह परी राव धांधल जी जो तीन शर्ता मांगी कि राजा मैं आपसे विवाह तो कर रही हूं मारी व्यवस्था है परंतु मारी तीन शर्ता है वे आपने माननी पड़ेगा। राव धांधल बोलिया परी हे अप्सरा आपकी जो भी शर्त है वह मैंने पहला से मंजूर है। बोले नहीं राजा सुन लो पहली शर्त आ है कि गांव रे बिल्कुल बाहर की तरफ मैंने एक खंबा जी तो ऊंचो महल चुनान देनो पड़ेगा। बोले हो गया दे दिया दूसरी बताओ। बोले दूसरी शर्त आ है राजा कि आप रे और मारे जो बीच में वो संबंध बनियो है इन्हें बारे में तीसरा आदमी ने जानकारी नहीं होनी चाहिए। बोले मंजूर है। तीसरी शर्त बताओ। बोले तीसरी शर्त राजा आ है कि हे राव धांधल आप मेरे महल में जब भी प्रवेश करेंगे तो मुझे बिना चेताए आप कभी अंदर नहीं आएंगे। आपने या तो फेकारो करना पड़ेगा आहट देनी पड़ेगा दरवाजो खटखटाना पड़ेगा कुछ भी प्रकार से मने चेतना दे और उन्हें पछे आप पधार जो। राव धांधल बोले ठीक है परी ये आपकी तीनों शर्तें मुझे मंजूर है। दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। राजा चुपचाप महल तैयार हो गयो विवाह हो गयो। राजा रात्रि रा चुपचाप अंधारे अंधारे परी सु मिलने वास्ते आवे महल में। दिन उगते उगते ब्रह्म मुहूर्त में वापस आपरे ठिकाने पूछ जावे। क्रम काफी समय तक चलियो और उन परी रा समय रे साथ में उन परी रे गर्भ सो उन परी रे कोख सो लक्ष्मण अवतार श्री बाबूजी राठौड़ रो जन्म होयो। बोले श्री बाबूजी राठौड़ की समय वे साथ में होड़े 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 समय बीत तो गयो। बाबूजी राठौड़ 4-5-6 महीना रह हो गया। एक दिन अचानक कमला देजी जो राव धांधल री धर्म पत्नी थी वह अपने पतिदेव री बात ने नोटिस करती रही मन में शंको करियो कि रोज मारा पतिदेव चुपचाप जावे और दिन उगे ने पाछा जावे ए जावे कठे ए करे कहीं।
मैं आज पतो कुरुला और विधि रो विधान उन्हीं दिन राव दांदल रे भी मन में आई कि मैं आज उन परिसु मिलने जाऊंगा तो इतना सा छोटा सा बालक ने ले आ इतो बड़ो महल है आ परी करे कहीं है। मैं आज बिना खटखटाया बिना चेतावनी दिया महल में प्रवेश करूंगा। आगे आगे राव दांदल लारे लारे चुपचाप पत्नी धर्मपत्नी कमला दी जी भी राव दांदल बिना कोई चेतना दिए बिना कोई आहट किए महल में जो ही प्रवेश करियो भक्तों तो अंदर जो नजारो देखियो वो बहुत अद्भुत और विचित्र थो। छोटा सा बाबूजी राठौड़ ने वह परी जो है वह सिंगनी रावेश में सिंगनी बड़ी बड़ी बाबूजी ने अपने छाती रोस्तन पान करा दी। एक शेरणी एक सिंगनी बाबूजी ने अपने छाती रो दूध पिला रही है। राव धांदल जो ही उन दृष्टि ने देखियो धरती तलू जमीन सरक गई। परी री नजर अपने पति पर पड़ी उन्हीं वक्त वह परी अपने वापस मूल रूप में आई परी री रूप में आ और बोली कि राजन अपना कौल वचन जितना था वे पूरा हो गया। आज आप हमारी जो तीन शर्त थी उस शर्त आप तोड़ दियो। अब आपका मेरा रिश्ता जो है आपका मेरा जो संबंध है वो खत्म हो गया। मुझे मेरे लोक में वापस जाना पड़ेगा। परी आकाश में उड़न लगी। जो ही वह परी उड़ने लगी तो छोटा सा बाबूजी राठौड़ 6 महीना रहा उन मारो पल्लो पकड़ लियो के मां मने किने सारे छोड़न आप जा रिया हो। परी बोली बेटा हे बाबू मारो समय पूरो हो गयो मने तो इन धरती से जानो पड़ेला। तने मैं जन्म मारी कोख सु दियो मारी छाती रो दूध पिलायो लेकिन मारी गोद में जो खिलाने रो मन में भाव तो बाबू वो मैं पिंड जन्म में पूरो नहीं कर पाऊं। मैं केसर काल की घोड़ी के रूप में अवतार लूला और मारे कांधे ऊपर तने सवारी करोला मारी पीठ पर बिठाऊंगा। इति बात के अटिन रानी कमला देरो प्रवेश वियो। राव धांदल खड़ा है छोटो सो बालक बाबूजी रो रिया है। कमला देरे मन में ममता रा ममत्व रा भाव जा गया। कौन उन बाबूजी राठौड़ ने अपने छाती सु लगा लियो। ना तो कोई बुढ़ो जी बात बताई ना कमला दी जी पूछियो बाबूजी ने ले पुनः अपने गांव में महल में आ गया। एक भाई राव बुढ़ो जी बहन पेमल दे जी और साथ में तीसरा बाबूजी राठौड़। धीरे 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 समय रो चक्र बीतियो बाबूजी राठौड़ बड़ा होने लगा। राजकुमारी पेमल रो विवाह नागौर जिला रा खींची सिरदार जिंदराव खींची के साथ में हो गयो। जिंदराव खींची देवल भाई सा चाड़ी रे आश्रम में जद भी आतो गांव में देवल भाई सा सु बार बार केसर काल भी घोड़ी री मांग कर तो बोले देवल भाई सा आ केसर काल भी घोड़ी जो है आ मने बड़ी प्रिय है। लेकिन देवल भाई सा बहानो कर देता बोले जिंदराव ये घोड़ी में अगर दूंगी तो आपको ही दूंगी ये मेरा वचन है लेकिन थोड़ा मुझे समय दो आ घोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए। अब घोड़ी थोड़ी बजेरी है इन्हें थोड़ी खिला पिलान में बड़ी करूंगा उन्हें बाद में आपने घोड़ी प्रदान करूंगा वचन दे दिया। अब बाबूजी राठौड़ सपना में एक दिन वही परी आई और बोली कि बेटा मैं आ गई हूं आपरी गायोरा आपरी गौशाला जो कामदार है भीमदान जी चारण उन गौशाला में मैं बंधियोड़ी हूं केसर काल भी गोड़ी मारो नाम है बेटा और तुमने आर ले जा। बाबूजी महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त में सपना आयो नींद तो जाग गया लेकिन बाबूजी राठौड़ सपना ने भूल नहीं पाया। मैं तो उठिया तुरंत प्रभाव से दौड़िया 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 केसर काल भी घोड़ी ने समीप पहुंच गया और जो ही माँ और बेटा रो मिलन भी हो तो घोड़ी ने आंखिया में से टपा 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 आंसू पड़ने लग गया। बाबूजी और केसर काल भी घोड़ी दोनों ने माँ और बेटा रो जिन प्रकार स्नेह वे और स्नेह भाव से बाबूजी देखने लग गया। देवल भाई सा तो निवेदन करी कि हे देवल भाई सा अबे आ केसर काल भी घोड़ी आप मैंने प्रदान कराओ माँ और बेटा रा इन वात्सल्य भाव ने देख। देवल भाई सा जिंदराव खींची ने दियोड़ा वचन ने भूल गई और बोले ठीक है बाबूजी आ केसर काल भी घोड़ी तो आप ले जाओ लेकिन मारे माथे मारी गायों माथे मारी गौशाला माथे यदि कोई विपदा आवेला तो आप कितो भी जरूरी काम वेला तो आपने छोड़ नानो पड़ेगा। बाबूजी बोले वचन दियो बहना आज तो मैं थारे धर्म रो भाई हूं किनी भी प्रकार की विपदा आवे तो बाबू ने याद कर जो। ये सरकार की घोड़ी ले अमरकोट में सोडा सिरदार रे आंगणे में
बाबूजी राठौड़ बरात लेन पधारिया है। अडी ने बात पतो चाली जिंदराव खींची ने बाबू राठौड़ रहा सगा बहनोई पेमल देवरा पतिदेव। बोले बाबू ने घोड़ी प्रदान कर दी देवल भाई साहब, वो तो घोर अन्याय है, अपने पूरे लाभ लश्कर ने लिए। और जिंदराव खींची रवाने हो देवल भाई सारे आश्रम में पहुंचो। देवल भाई सारा पतिदेव भीमदान जी चारण रहा 24 भाई और 2400 भाई ने जिंदराव खींची कतले आम मचा दियो, सबारा सर कलम कर दिया। जितनी गाया थी ये सब गाया घेर और जिंदराव खींची ले जाने लागो। देवल भाई साहब इन बात रो पतो चलियो, बड़ा दुखी होया। गौशाला में गया तो खून ही खून पड़ियो, गाया सब चुरान ले गया, अपने पूरे परिवार रो अपने पतिदेव रो जब शव देखियो, देवल भाई साहब बड़ी भयभीत हो गई और बड़ी 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 जा। और राव बूढ़ो जी ने मेला में आवाज लगाई कि हे बूढ़ो जी मारे प्राणों की रक्षा करो, मारे गाया घेर ले जा रही हो जिंदराव। राव बूढ़ो जी हाथ जोड़ दिया कि हे देवी जिंदराव रो सामनो इन धरती पर करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबू राठौड़ है, बाबू जी ने याद करो। लेकिन बोलिया कि बाबू जी तो अमरकोट गयोड़ा है परनीजन ने, और पाछा आता आता समाचार पहुंचाता 3-4 महीना लाग जाला। देवल भाई साहब मैं कुछ नहीं कर पाऊं, मैं विवश हूं। जद वे शक्ति रो स्वरूप देवल भाई साहब एक सुगन चिड़ी रूप धारण कर उड़ता 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 अमरकोट रे कंगूरे ऊपर जा बैठ गया और जोर जोर से कुंडलन लागा। कलपती आवाज ने केसर काल दी घोड़ी उन सुगन चिड़ी दी आवाज ने सुन ली कि हे मां आप ठेठ अमरकोट की कर पधार गया। अब बेजुबान जानवर और तो क्या कर सकता है, वह केसर काल भी घोड़ी अपने स्थान पर नव नव ताल जोर जोर से कूदने लग गई। अब घोड़ी जो कूदी तो आंगने में जो कीमती कांच बिड़ाड़ो तो वो कांच टूटन लागो। अब बाबूजी राठौड़ रहा जो बचपन रहा एक बाल सका तू बचपन मु खेलता कूदता बड़ा बिया चांदा जी और ढेमा जी भील वे उन केसर काल भी घोड़ी दी देखभाल रे वास्ते राखियोड़ा था। तो बाबूजी राठौड़ रा साला उन चांदा ने कियो कि हे चांदा थारी उन केसर काल भी घोड़ी ने थोड़ी काठी झाल ने राख, बड़ो सुंदर संवाद है। इन दोनों के बीच में ये बात हो रही है और बाबूजी ने सुन लिया और क्या किया।